ऑर्गेनिक कर रहा हूँ उसमें मेरा 80% खर्चे बंद हो चुके हैं, जो ना तो मैं बाहर से लेके आ रहा जी और ना ही मैं बेचने जा रहा। जी बीज किसान का अपना जी और जो सामान जो फसल तैयार हो रही है वो खेत में बिक रही है, ना मंडी में जाना ना कहीं पे जाना, वो सारा खेत में से ही सेल कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित मुंजाल है। आज हम आए हुए हैं चिराओं करनाल हरियाणा में। आज हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, मिस्टर मनदीप पहल, जिनकी हमने पहले भी यहां पर जो बिजाई करते समय वीडियो बनाई थी हैप्पी सीडर के साथ, वो बिजाई करी थी। उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं अपने खेत की पराली नहीं जलाऊंगा और पिछले कई वर्षों से अपने खेत की पराली नहीं जला रहे हैं। क्या कारण उन्होंने पराली नहीं जलाई और क्या रिजल्ट उनको मिल रहा है हैप्पी सीडर के साथ सीधी बिजाई करके, क्योंकि आज ठीक 50 दिन हो चुके हैं इसका रिजल्ट देखने के लिए हम खेत में आए हैं। काफी किसान भाई कमेंट आ रहे थे कि सर, जिस किसान ने बिना पराली जलाए हैप्पी सीडर के साथ बिजाई की थी, प्लीज उसके खेत का रिव्यू दीजिए। तो चलिए मैं सीधा आपको किसान भाई के पास लेकर चलता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए अपने किसान भाइयों को। मेरा नाम मनदीप पहल है और विलेज चढ़ाओ डिस्ट्रिक्ट करनाल, यहाँ पे मेरा 19 किले का फार्म है, जिसमें 9 किले मैं प्योर ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, बाकी किलो को भी धीरे धीरे मैं ऑर्गेनिक की तरफ तब्दील कर रहा हूँ। जी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे हम आपके खेत में देख पा रहे हैं सर, लगभग 50 दिन का आपका गेहूं हो चुका है। इसके बारे में बताएं सर, आपने हैप्पी सीडर से बिजाई की थी, इसके क्या आपको फीडबैक मिले, क्या ड्रॉबैक मिले, मतलब क्या नफा लग रहा है, क्या नुकसान लग रहा है, उसके बारे में बताएं। ये आज गेहूं की वैरायटी है 3086 और ये लगभग 50 दिन की हो चुकी है। इसमें 35 किलो बीज की बिजाई करी थी और फसल अब शेष टोटली अंदर है इसमें, आप देख सकते हो इसमें एक पानी आया इसमें, और पानी के साथ लगभग 500-600 लीटर डीकम्पोजर और जीवामृत मिक्स करके चलाया था। अब नीचे दिखाता हूँ आपको मैं, ये इसमें देखो जो फसल अवशेष है ये साइड में पड़े हैं जी, और 80% डीकम्पोज हो चुके हैं जी, देख एक पा पानी रहे। आया अभी तक। अच्छा, एक पानी आया है। फर्टिलाइजर के तौर पर सर इसमें क्या प्रयोग किया आपने? क्यों, अभी ये प्योर ऑर्गेनिक हुए हैं मेरी जमीन जी, तो इसमें अभी 1 कट्टा DAP 30-30 किलो यूरिया डाला इसमें जी, और कोई कुछ नहीं डाला है जी। मतलब एक बैग डीएपी अगर बात करते हैं 50 किलोग्राम डीएपी डाला है, और 2 बार 30-30 किलो अगर मैं बात करता हूँ 60 किलोग्राम यूरिया अभी तक आप इसमें डाल चुके हैं। 50 दिन की फसल है और इसमें आप देख सकते हो विफान ने जितना फसल अवशेष कहते हैं जिसको जी, वो डीकम्पोज होके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं खेत में ही। जो कार्बन होता है ना, जमीन का कार्बन बढ़ाने का काम कर रहे हैं ये जी, जो हमारी फसल को धीरे धीरे इसमें नाइट्रोजन की और जिंक की जो पोटास की कमी है वो फसल अवशेष के कारण पूरी होती जा रही है जी। तो सर इसमें एक और चीज़ बताइए आप छोटी सी किसान भाइयों को, क्योंकि आप जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप जो अपने खेत के अंदर जो है दूसरी केमिकल फार्मिंग भी कर रहे हैं, इस फसल में और उस फसल में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? अंतर अभी इसमें खर्चा है जी कुछ परसेंट, पर जो ऑर्गेनिक कर रहा हूँ उसमें मेरा 80% खर्चे बंद हो चुके हैं, जो ना तो मैं बाहर से लेके आ रहा और ना ही मैं बेचने जा रहा। बीज किसान का अपना जी, और जो सामान जो फसल तैयार हो रहा है वो खेत में बिक रही है, ना मंडी में जाना ना कहीं पे जाना, वो सारा खेत में से ही सेल कर रहे हैं जी, जिसमें धान हो या गेहूँ हो या सब्जी हो जो भी है खेत में से सेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक चीज और बताइए सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बहुत बड़ी दिक्कत समस्या रहती है, जैसे सर जो वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, अगर मैं बात करता हूँ खरपतवार, जैसे गेहूं में मंडूसी बोल देते हैं, कई जगह पे गेहूं का मामा बोल देते हैं, काफी जगह पर गुली डंडा बोल देते हैं, सर उस चीज के लिए आप क्या समाधान कर रहे हैं? उसके लिए हम नड़ाई गुड़ाई करवा रहे हैं जी, और जो हमारी गाँव के जैसे जिनको चारा चाहिए आ रहा है उनसे निकलवा रहे हैं, जो फ्री में निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों उनको घास चाहिए जानवरों के लिए, और बाकी 2-3 लेबर लगा रखे हैं मैंने, निकल जाता है 2 दिन में 1 किले का खरपतवार जो मोटा मोटा है वो निकल जाता है, और जो इसमें फसल अवशेष है इनके कारण जो जो दब गया है वो उठ नहीं पाता खरपतवार जी। तो एक और चीज आप बताएं, वो तो दब गया आप बता रहे हैं कि निराई गुड़ाई आप खेत में करवा रहे हैं, जो मंडूसी के स्प्रे के गोडिंग जी ये कितना महंगा पड़ता है सर आपको? मेरे को तो कुछ महंगा नहीं लग रहा है, जो मंडूसी का स्प्रे है ना जी, जो मैंने पढ़ा भी है और जो पुराने किसान अनुभवी किसान है जी, इसका एक बार का स्प्रे 35 साल तक जमीन से नहीं जाता जी। मंडूसी का स्प्रे या खरपतवार का स्प्रे है ना, मैं पीछे भी काफी देखा मैंने जब से खेती कर रहा हूँ, बार बार स्प्रे करने के बाद भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा जी। क्यों, इसका बीज इतना बारीक और इसमें चिकना है भाई, ये खत्म नहीं होता है, जमीन पे पड़ा रहता है, जितने जमीन की छेड़खानी करते हैं बार बार उसको जैसे डिस्क एरो के साथ बांधते हैं या रोटावेटर के साथ बांधते हैं तो वो बार बार ऊपर आता है,
जितना मर्जी उसको कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं होता। परंतु इसमें निराई गुड़ाई में एक तो हमारी ज़मीन सुधर रही निराई गुड़ाई से, और लेबर को काम मिल रहा। गांव की जैसे महिलाएं हैं तो वो भी इसको ले जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो अपनी ज़मीन सुधारनी है ना, ज़मीन सुधारने का और इससे अच्छा और क्या हल मिलेगा। कुछ लोग यूरिया के अंदर डाल रहे हैं संकोर, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई हर्बिसाइड दो दो तीन तीन मिला के कर रहे हैं तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा। जब कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके पीछे पड़े क्यों? जो प्रकृति ने नियम बनाया है वो तो उगेगा ही। आप चाहे कितना कंट्रोल करो, मेरे को तो लगता नहीं आज तक किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। वो तो अपने समय पर उगेगा। जो निराई गुड़ाई करा रहे हैं तो इससे एक तो हमारी ज़मीन फुल्ली होती है और इससे फुटाव काफ़ी अच्छा आता है फसल में, मतलब कि पैदावार भी बढ़ती है। पैदावार भी बढ़ रही है। तो जैसे कुछ किसानों का कहना था भाई जो फसल अवशेष है इसमें चूहे की समस्या बहुत ज़्यादा है, पर मैंने ये देखा बिच्छुए प्रकृति ने ही ख़त्म कर दिया। जो चील है ना, चील बिल्ली कुत्ते इन्होंने साफ कर दिया, कोई चूहा नहीं है खेत में। मेरा संदेश तो एक ही है किसान भाइयों को, भाई फसल अवशेष से हमारी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। और मैं इससे अब की बार मैंने 15 किले में ऐसा किया, 19 किले में से एपी सीडर और जीरो टिल से, मैं 100% संतुष्ट हूँ इससे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई सुंडी की समस्या अभी किसानों के पास क्या आ रही है, गोब की सुंडी की समस्या आ रही है। वो समस्या इसलिए आ रही है, जो मैंने देखा नवंबर से पहले बिजाई हुई है ना, लास्ट जो है 20 तारीख के बाद बिजाई हुई है, गर्मी थी उस टाइम, उनमें समस्या आ रही है। मेरे पूरे खेत में घूम के देख लो, ये पहले हफ्ते की बिजाई है नवंबर की, उनमें कोई सुंडी की समस्या नहीं, किसी तरह का कोई गोब का कीड़ा नहीं, कोई वो नहीं। और हमारा जो ग्रुप है PGS में रजिस्टर्ड है, रघुकुल जैविक किसान क्लब, ये हर महीने फसल अवशेष और भाई जैविक खेती के लिए हर महीने के लास्ट रविवार को गांव नसीरपुर में ट्रेनिंग दे रहा है 1.5 साल से, जिसका किसानों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और जिस किसान दूर से आते हैं, जो भाई आके एक दिन पहले रुकते हैं, उनसे भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता, रहना खाना सब फ्री है। किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ हमारे किसान भाई श्री मनदीप पहल जी। बहुत बढ़िया संदेश दिया कि अपने खेत के जो अवशेष हैं उन्होंने नहीं जलाए, जिससे इनके खेत के अंदर फुटाव भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। देख पा रहा हूँ जैसे गेहूं अपनी जगह पर निकल रही है और जो नीचे बचे हुए अवशेष थे वो डिकम्पोज हो चुके हैं। एक बहुत अच्छा संदेश है सभी किसान भाइयों के लिए। जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हर महीने के आखिरी संडे को जो है करनाल हरियाणा में गाँव नसीरपुर में जो है एक जैविक खेती को लेकर जो है एक प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग आकर उस शिविर को अटेंड कर सकते हैं। सर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सर का नंबर ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।